दोस्तों नमस्कार। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण जिस तेजी के साथ आज के डेट में मौजूदा सरकार कर रही है, तो क्या हम उसी दौर में लौटने वाले हैं जिस दौर में ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी आई थी और उस कंपनी का एक ही मकसद था, बाजार में मोनोपोली फैलाना, यानी कि एक छत्र राज बाजार में उन्हीं का हो। 3 लाख के करीब रेलवे अपने कर्मचारी को निकालने जा रही है। मौजूदा हाल में रेलवे के करीब 13 लाख कर्मचारी से ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन 3 लाख कर्मचारी को रेलवे निकालने जा रही है। वहीं पे तेजस एक्सप्रेस लखनऊ टू दिल्ली, दिल्ली टू लखनऊ जो एक ट्रेन चली है, जिसको तथाकथित तौर पे पहले कॉर्पोरेट ट्रेन के रूप में जाना जा रहा है, जिस पे आप बैठते हैं तो चमकती ट्रेन और आपके स्वागत में तरह तरह के रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, तरह तरह की सुविधाओं का हवाला दिया जा रहा है, उसकी किराया जो तय कर रही है, जिसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी आ गया है, यानी कि IRCTC जो तथाकथित तौर पे अभी इस ट्रेन को चला रही है, उस पे एक मामला सामने आया है जिसके अंदर में IRTC उस ट्रेन की किराया को फिक्स कर रही है, यानी कि अपने मर्जी के तौर पे किराया वसूल रही है। लेकिन वहीं रेलवे एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि उसका किराया सेंट्रल गवर्नमेंट तय करे, लेकिन IRCTC उस किराए को तय कर रही है, जिसके ऊपर विवाद हुआ है। लेकिन इस सब के बीच आप कितना फाइन देते हैं एक आम जनता, हम अगर ट्रैफिक वायोलेशन की ही बात करें, क्योंकि ताज़ा एक बात है अभी ये ट्रैफिक वायोलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग को भी अगर जरा सा भी आप क्रॉस करते हैं, तो हो सकता है ट्रैफिक पुलिस आपको 1,000-5,000 रुपए का चालान ठोक दे। 5,000 रुपए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है उसको वो डेंजरस ड्राइविंग में दिखा दे या किसी और धारा में आपको दिखा सकते हैं, वो हो सकता है 5,000 रुपए फाइन ठोक दे। लेकिन वहीं पे ये IRCTC जो नियमों का अगर उल्लंघन कर रही है, तो उस पे कितने फाइन का प्रावधान है, इसको कॉरपोरेट सेक्टर से जोड़ के आप देखेंगे कि एक कॉरपोरेट सेक्टर जो करोड़ों अरबों रुपया रोज की कमा रही है, हालांकि IRCTC PSU के अंदर में है, मिनी नवरत्न कंपनी के रूप में जानी जाती है, लेकिन फिलहाल कॉरपोरेट ट्रेन को वही हैंडल कर रही है, यानी कि जो तेजस एक्सप्रेस चल रहा है उसको वही हैंडल कर रही है। तो कॉरपोरेट अगर कोई सरकारी नियम को तोड़ता है, तो उस पे कितना जुर्माना होगा जो करोड़ों अरबों रुपया रोज भारत से वो कमा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि अगर किराए के रूल में वायोलेशन IRCTC कर रहा है, तो उस प्रावधान के मुताबिक 250 रुपए का फाइन IRCTC को सिर्फ भरना पड़ेगा। नियम का उल्लंघन अगर उसने किया है, सरकारी नियम का उल्लंघन किया है, तो 250 रुपए का फाइन, और हर दिन उसके बाद सिर्फ 150 रुपया उस पर फाइन लगाया जाएगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से 50 स्टेशन और 150 ट्रेनें जल्दी ही प्राइवेट ट्रेन के तौर पे चलेंगी, और जिसमें आपको सुख सुविधाओं से लबरेज एक सपना दिखाया जाएगा, लेकिन वहीं भारत की लाइफलाइन माने जाने वाली, गरीबों के आने जाने के लिए सबसे सुगम और सस्ता साधन भारतीय रेल, क्या गरीबों के लिए रह जाएगा? जो 3 लाख लोगों की नौकरियां जाने की मैंने बात करी है, उस 3 लाख लोगों के पीछे आज के मौजूदा वक्त के हिसाब से भी अगर एक परिवार में 5 लोग हैं, तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 15 लाख लोग किस कगार पे पहुंचेंगे। उसके इतर सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पे नौकरी सरकार देने में बिल्कुल ही नाकामयाब है और बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूट गया है, हो सकता है जिस आदमी को नौकरी से निकाला जाएगा, उसके परिवार में सिर्फ अकेला कमाने वाला बंदा वही हो, क्योंकि उसके बच्चे के पास रोजगार तो होगा नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा डिग्री लेके बैठा होगा आज की डेट में तो। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि वो भारतीय रेल जो इनडायरेक्ट तौर पे करोड़ों लोगों के जीविका का साधन था, एक मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय रेल हमारी परंपराओं में इस तरह से घुल मिल गया था कि आप याद करेंगे जब वो चाय चाय की आवाज के साथ सुबह 5 बजे आपकी नींद खुलती थी, वो सेकंड क्लास के बॉगी में, कोई खिलौना बेच रहा है, कोई गाने सुना के पैसे मांग रहा है, कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई बादाम बेच रहा है, बहुत सारे लोग वेंडर्स थे जो इनडायरेक्ट तौर पे उनकी रोजी रोटी उस ट्रेन से चलती थी।
मैं कह सकता हूं कि बड़े मेट्रो शहर के जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पे हो सकता है वो ना मिले आपको, लेकिन जैसे ही मेट्रो सिटी से वो ट्रेन किसी गांव के तरफ निकलती थी, तो आप अगर दिल्ली से ही बात करें तो गाजियाबाद से ही वेंडर्स का आना जाना शुरू हो जाता है। इसको आप लोग जानते हैं, आप कह सकते हैं कि वो इलीगल तौर पर बेचते थे, लेकिन इलीगल तो तब हम माने जब सरकार उन लोगों को रोजगार मुहैया करा सकती है, तब मैं उसको इलीगल मांगूंगा। लेकिन वो चोरी, डकैती, छीना झपटी, बेईमानी, बैंकों का एनपीए, इसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। वो अपनी किसी तरह से बच्चों का पेट पोषने के लिए रोजी रोटी कमा तो रहे थे और किसी की चोरी तो नहीं कर रहे थे। लेकिन वहीं पे क्या जब ये 50 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेनों को और भी प्राइवेटाइज अभी जल्द से जल्द कर दिया जाएगा, तो क्या इस दौर में जो 50 रेलवे स्टेशन होंगे वहां पे किसी बाहरी वेंडर्स को घुसने दिया जाएगा? हो सकता है रेलवे स्टेशन के परिसर यानी कि कंपाउंड में भी किसी को टपने ना दिया जाए, जो वहां पे आज के डेट में छोटे छोटे खोखे, कोई पूरी सब्जी बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, धंधा कर रहे थे, रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहे थे, उनको शायद घुसने नहीं दिया जाएगा। वहीं पे जो ट्रेनें ये प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट ट्रेन्स के तौर पे जो अब चलेंगी, क्या उसमें कोई बाहर के वेंडर घुस पाएंगे? क्योंकि खाना बेच के ही के भी कॉरपोरेट को ही पैसा कमाना है, चाय बेच के कॉरपोरेट को ही पैसा कमाना है, तो वो अपनी ट्रेन में किसी को घुसने नहीं देंगे। तो तकरीबन जो करोड़ों लोगों का रोजगार इनडायरेक्ट तौर पे भारतीय रेलवे से भी जुड़ा हुआ था और वो अपनी रोजी रोटी किसी तरह कमा रहे थे, वो भी शायद बेरोजगार हो जाएंगे। और उसके अभी तो ये प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड 45 सालों में टूट चुका है, उसके बाद जब ये चीजें आएंगी तो शायद जो हालात हैं वो कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं कि जो नवयुवक है जिनके पास रोजगार नहीं है, जो किसी तरह से कुछ ना कुछ करके अपनी जीविका चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश की हालात बद से बदतर हो जाएगी और शायद हम आप उस सिचुएशन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जहां पे उनको करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो फिर वही बात है कि क्या हम उस दौर में पहुंचने की कोशिश या हमें उस दौर में ले जाया जा रहा है जहां पे हर बाजार पे मोनोपोली होगी किसी ना किसी एक कंपनी की, जब वो चाहेगा तो आप उसमें धंधा कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वो नहीं चाहेगा तो आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। जो 3 लाख लोगों की रोजगार जो जाने वाली है रेलवे में, जो रेलवे के एम्प्लॉय थे, जिसके तहत जल्दी ही जिनकी सर्विस 30 साल से ज़्यादा हो चुकी है या 30 साल के आसपास हुई है, या जिनकी उम्र 55 साल के करीब हो चुकी है, उनको जल्दी ही वीआरएस लेना पड़ेगा या जबरदस्ती उनको दिया जाएगा। और तकरीबन 3 लाख लोगों को रेलवे से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। वहीं पर रेलवे बोर्ड ने हर रेलवे जोन को कहा है कि आप आपके यहाँ जो भी कर्मचारी काम करते हैं साथ सबका डेटा बना के दीजिए, और रिपोर्ट के मुताबिक ही सिर्फ रेलवे के ऑपरेशन से जुड़े हुए लोगों का जॉब बच जाएगा, बाकी सब चीज़ों के लिए वो आउटसोर्स करने जा रहे हैं, यानी कि अब लेबर की सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे बाहर से कंपनियां करेगी। और आप जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की किस तरह सिचुएशन भारत में होती आ रही है, चली आ रही है और हो रहा है, और शायद जिस तरीके से ये नियम बनाया जा रहा है तो रेलवे में भी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होंगे उनका भी शोषण होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं रेलवे में उनकी जॉब शायद रुक जाए, बच जाए, नहीं तो बाकी जितने भी काम है सबको कहा जा रहा है कि आप आउटसोर्स कीजिए, यानी कि सबको कॉन्ट्रैक्ट पे रखिए। वहीं अगर आप तेजस की बात करें, जो तेजस एक्सप्रेस कॉरपोरेट ट्रेन चली है जिसका एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2400 रुपये है, वहीं पर मैं देख रहा था कि जिनको वक्त की इतनी फिक्र है, मैं कल की ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूँ जो ये लगा हुआ है कि अगर आप कल लखनऊ जाना चाहें तो आप 1 घंटे के अंदर में 1900 रुपये पे करके बाय एयर आप लखनऊ पहुंच सकते हैं। तो ये जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं जिसका हवाला दिया जा रहा है कि इसे वक्त कम लगेगा, सुविधाएं ज़्यादा मिल रही है, तो जिनको वक्त की इतनी फिक्र है तो वो 2400 नहीं 1900 रुपये खर्च करके लखनऊ सिर्फ 1 घंटा में पहुँच सकते हैं। तो क्या गरीबों के लिए अब ट्रेन भी नहीं बचेगा? क्या गरीब ट्रेन की सफ़र नहीं कर पाएंगे? जैसा कि रिपोर्ट के मुताबिक जो सरकार की रेलवे की अभी फिलहाल मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ट्रेनें नहीं बढ़ेंगी, जो मौजूदा ट्रेनें हैं उसी को कॉरपोरेट के हवाले किया जाएगा और प्राइवेट ट्रेन के तौर पर उसको चलाया जाएगा। तो क्या जो गरीब हैं जो 200-300 रुपये में 500 किलोमीटर का सफ़र कर लेते थे, अगर किसी का किसी के माता पिता कभी बीमार होते थे उनको कॉल आता था कि आ जाओ पिताजी बीमार हैं या मदर बीमार है उसकी, तो क्या अब वो अपने घर जा पाएगा 1000 या 1500 किलोमीटर दूर? तुरंत शायद ना जा पाए, क्योंकि
कॉरपोरेट ट्रेन चलेंगी, उसके अंदर में सिर्फ उतने ही लोग बैठेंगे जिन्होंने टिकट ली है, जिन्होंने 2500-3000 रुपए खर्च किया। जहां 500 रुपए की टिकट है, एक नॉर्मल टिकट लखनऊ की 500 में आप पहुंच सकते हैं, वहीं पे 2500 रुपए खर्च करने वाले लोग उसमें जाएंगे और उस ट्रेन को पहली प्रायोरिटी पे चलाया जाएगा क्योंकि उन्होंने पैसा ज्यादा चार्ज किया है। दोस्तों, ये जो प्राइवेटाइजेशन है, ये किस ओर भारत को ले जा रहा है? क्या हम उसी दौर में पहुंच जाएंगे जो हर मार्केट पे, हर बाजार पे किसी ना किसी कंपनी का हक होगा, उनकी मोनोपोली होगी? रोजगार ना ऑटो सेक्टर में, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ना कंस्ट्रक्शन में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी भी सेक्टर का आप नाम ले सकते हैं। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे पहुंची है, लेकिन उसी दौर में जिनकी रोजगार रेलवे से जुड़ी हुई थी, जो जॉब कर रहे थे, उनको तो हटाया ही जा रहा है, लेकिन उस रेलवे के ऊपर कितने ऐसे परिवार आश्रित थे, शायद करोड़ों ऐसे आश्रित थे जिनका रोजी रोजगार इनडायरेक्ट तौर पर रेलवे से चल रहा था। वो उस पर कुछ बेच रहे थे, कोई चाय बेच रहा था, कोई रोटी बेच रहा है, कोई पूरी बेच रहा है, उनकी रोजगार उससे जुड़ी हुई थी। लेकिन जब ये स्टेशन एक कॉर्पोरेट के कब्जे में होगा, उनके अधीन होगा, तो शायद वो उनको वहां घुसने ना दे, और वो ट्रेनें जो कॉर्पोरेट चलवाएंगी उसके अंदर अगर वो कुछ भी बेचेंगे तो अपने वेंडर के थ्रू ही बेचेंगे, अपना ही माल बेचेंगे, और शायद उसमें वो उनका चलना भी मना होगा, उस स्टेशन पे भी घुसना मना होगा जिस पे कॉर्पोरेट का राज होगा। तो किस दिशा में और किस दौर में हम जा रहे हैं? पीएसयू के हालात आपके सामने हैं, किस तरह से बीएसएनएल, बीपीएससीएल, कॉनकोर, कई सारे आपके पीएसयू जो हमारे आपके पैसे पे खड़े हैं, वो प्राइवेटाइजेशन की ओर तो जा ही रहे हैं, लेकिन भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, उस नेटवर्क को सरकार जिस तरीके से धीरे धीरे कॉरपोरेट के हवाले करने जा रही है। लेकिन एक चीज यहां ध्यान रखिएगा कि कॉरपोरेट जो बिजनेस करता है वो फायदे के लिए करता है, और कॉरपोरेट सिर्फ उन्हीं ट्रेनों को लेगी जो प्रीमियम ट्रेन्स है, ये याद रखिएगा। वो कभी उन ट्रेन्स या उन रूट को नहीं चुनेगी जिसपे उनको घाटा हो। तो जितने भी बिजी रूट्स हैं, प्रीमियम रूट्स हैं, उन ट्रेनों पर और उन रेलवे प्लेटफॉर्म पर कॉरपोरेट का कब्जा होने जा रहा है, और पूरे बाजार जिस तरह से कॉरपोरेट के गिरफ्त में एक एक बाजार आते जा रहा है, शायद आने वाले वक्त में हम शायद उसी ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके का एक दौर शायद देख सकते हैं, जहां पे हर बाजार पे किसी एक कॉरपोरेट का कब्जा होगा, और उस पे हम आप अगर जेब में पैसे होंगे, शायद ना नहीं हो क्योंकि रोजी रोजगार तो कुछ है नहीं, किसी भी आप क्षेत्र को देख लीजिए, तो आने वाले वक्त ही तय करेगा कि भारत किस दिशा में जा रहा है। आप सब बुद्धिजीवी हैं, इस बात को सोच सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।